नमस्कार, मैं हूं अंकुर सिंह। अगर इस साल यानी 2018 में यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर बात करें तो शायद कहना गलत नहीं है कि इस साल सीएम योगी को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर कई बार सवालों के घेरे में आना पड़ा। भारत की समता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मार्च 2017 में सत्ता संभालने के बाद ही योगी सरकार ने शहीदों को पटरी पर लाने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का झुंझुना बजाया, तो 2018 में 26 जनवरी के मौके पर तिरंगा यात्रा के नाम पर कासगंज सुलग उठा। तिरंगा यात्रा में शामिल एक युवक की गोली मारकर हत्या हो गई, तो पूरे प्रदेश में सांप्रदायिकता की तपिश महसूस होने लगी। सरकार जब तक कासगंज की आग को ठंडा कर पाती, अप्रैल महीने में उन्नाव के रेप कांड में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का नाम आने से एक और फजीहत शुरू हो गई। सरकार ने फजीहत से बचने के लिए मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश की, तो सीबीआई ने 24 घंटे के अंदर ही बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को धर दबोचा। उन्नाव रेप कांड ने उत्तर प्रदेश सरकार की जमकर किरकिरी कराई। राजधानी लखनऊ में हजरतगंज चौराहे पर बीजेपी के पूर्व विधायक जीपी तिवारी के बेटे की गोली मारकर हुई हत्या और इलाहाबाद में वकील के दिन दहाड़े गोली मारकर हुई हत्या और हिंसा ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। सितंबर 2018 में लखनऊ के विवेक तिवारी हत्याकांड ने तो उत्तर प्रदेश पुलिस के चेहरे पर काली खी लगा दी। लखनऊ पुलिस के एक सिपाही ने एप्पल के मैनेजर विवेक तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद यूपी पुलिस के सिंघम अवतार को नेस्तनाबूद कर दिया गया। 2017 की तरह 2018 में भी उत्तर प्रदेश में कथित एनकाउंटर का दौर जारी रहा। जब जब अफसरों की कुर्सी हिली, चाहे वो डीजीपी हो या फिर जिले के कप्तान, सभी ने कुर्सी बचाने के लिए एनकाउंटर का सहारा लिया। 2018 में पुलिस एनकाउंटर की बात करें तो कुल मुठभेड़ 3,800, मारे गए अपराधी 72, घायल 496 और शहीद पुलिसकर्मी 6। वही घायल पुलिसकर्मियों की बात करें तो 365 है। अभी तक देखने में आया है, दो साल के करीब करीब पूरे हो रहे हैं, उसमें यही लगता है कि बहुत कम सफलता इनको इस कानून व्यवस्था को मेंटेन करने में मिली है। बात कासगंज की तिरंगा में हुई हिंसा की हो या फिर गोरक्षा के नाम पर बुलंदशहर के सियाना हिंसा, ऐसी तमाम छोटी घटनाओं ने सरकार की विफलता और सरकारी तंत्र में गफलत को भी उजागर किया है। छोटी सी घटना ने कैसे बड़ा रूप लिया और जिसकी वजह से खुद मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े हो गए, ये सब सरकारी तंत्र में अनिर्णय का नतीजा था।